यूपी के रीवा जिले के त्योंथर के जनेह से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक 6 साल का मासूम बच्चा खेत में खुले पड़े बोरवेल के गड्ढे में गिर गया है। घटना त्योंथर तहसील के जनेह थाना इलाके के मनीका गांव की है, जहां शुक्रवार शाम करीब 5 बजे बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। बोरवेल का गड्ढा करीब 60 फीट गहरा है। बोरवेल के गड्ढे में मासूम बच्चे के गिरने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस व जिले के प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच फंसा मासूम बोरवेल में गिरे बच्चे का नाम मयंक कोल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 6 साल है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बच्चा मयंक गेहूं के खेत में खेल रहा था और इसी दौरान वो बोरवेल के खुले पड़े गड्ढे में गिर गया। मिली कि मनिका गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार, सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल मैं यहां पर पहुंचा। थाने प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहां पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुंचा जा सके। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बचाएं। कैसी घटना घटी थी ये घटना? बच्चा गेहूं के खेत में खेलने हुए आया था, खेलने के लिए आया था, ऐसी सूचना मिली है और खेलते हुए वो बोरवेल में गिर गया और जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासन और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।